Welcome to all of you. Myself Rakesh and you are watching my channel Smart Classes. Guys, today we are going to discuss about how to find out a square root of any perfect square number. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं. सपोज करते हैं कि ये 784 ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और इसका स्क्वायर रूट हम लोग कैसे निकालेंगे. तो हम लोग सबसे पहले डिवीजन मेथड को यूज करते हैं. डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट को कैसे निकालते हैं उसको समझने के लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं, उस कंसेप्ट्स को पहले हम लोग देख लेते हैं. सबसे पहले ये जो नंबर है इसका हम लोग पेयर लास्ट से लास्ट डिजिट से लेकर के दो दो का एक पेयर बनाते हैं. जैसे कि ये दो नंबर है, डिजिट है, इसका एक पेयर बना लिए और जो दो डिजिट के बाद अगर कोई नंबर बच रहा है वो पेयर में नहीं है तो उसको भी अलग से एक पेयर बना लेते हैं. तो यहाँ पर 84 एक पेयर डिजिट है और ये सिंगल डिजिट है तो इसको हम लोग अलग बना लिए और इसको हम लोग बोलते हैं पीरियड. तो ये पीरियड है. अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे लॉन्ग मेथड से, डिविजन मेथड. अब यहां पर जो हमारा डिविजर है ये डिविडेंड हो गया और जो यहां पर आएगा वो कोटेंट कहलाता है. दैट इज हमारा जो भी यहां पर भाग देने के बाद भागफल आता है उसको हम लोग लिखते हैं और जिससे हम लोग भाग देते हैं वो डिविजन होता है और जो यहां पर बैलेंस बच जाता है वो रिमाइंडर कहलाता है. तो हम लोग यहां पर स्टार्ट करते हैं. लेकिन ये डिविजन का जो प्लेस है वहां पर हम लोग वो नंबर डालेंगे जिसका स्क्वायर नंबर यहां पर आएगा डिविडेंड में. जैसे हम लोग एग्जांपल में देखते हैं 2. मैंने यहां पर 2 इसलिए लिखा कि क्योंकि 2 का स्क्वायर जो है वो 4 है और यहां पर अगर हम 4 लिखते हैं तो 2 का स्क्वायर जो है या तो इस नंबर से, इस 7 नंबर से वो छोटा हो या उसके इक्वल हो, बराबर हो. अगर सपोज करते हैं यहां पर अगर हमने, आपका क्वेश्चन होगा कि यहां पर 2 क्यों लिया, यहां पर 3 क्यों नहीं लिया. तो 3 अगर हम लोग लेते हैं तो देखिए यहां पर क्या हो जाता है, 3 का स्क्वायर 9. 9 जो है वो फर्स्ट पीरियड से वो बड़ा है तो हम लोग को बड़ा नंबर नहीं लेना है, हम लोग को इससे छोटा नंबर लेना है फर्स्ट पीरियड से और या तो उसके बराबर हो. तो हम लोगों के पास ऑप्शन क्या है, 2 ये ऑप्शन है जिसका हम लोग स्क्वायर कर सकते हैं. तो 2 का स्क्वायर यहां पर 4, 7 - 4 दैट इज 3. अब क्या है कि ये जब फर्स्ट पीरियड जो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं उसके बाद जो सेकंड पीरियड है उसमें दोनों पेयर के नंबर को लिख लेते हैं, दैट इज 384. यहां पर हम लोगों ने जो यहां पर क्वोटेंट आया था वो 2 टाइम्स आया था इसलिए यहां पर हम लोग 2 लिखते हैं. अब यहां पर जो 2 है उसी को यहां पर ऐड कर लेते हैं, जो हमारा डिविजर था जो क्वोटेंट था दोनों को हम लोग ऐड कर लेते हैं और ऐड करने के बाद वो संख्या 4 आ जाती है. अब यहां पर 4 आ गई. अब यहां पर कौन सा नंबर रखेंगे जो इसको डिवाइड कर सके, तो जो फर्स्ट जो लेटर होता है जैसे 4 और यहां पर जो लेटर रखेंगे, जैसे सपोज करते हैं 4 और 2 रखते हैं तो जो 2 जो यहां पर हम रखने जा रहे हैं सेकेंड नंबर उसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 2 = 4 एंड 4 2 = 8, 84 आना चाहिए. लेकिन हमको यहां पर लाना है 384. 384 के लिए हम कौन सा नंबर यहां पर सुइटेबल रखेंगे जो इसके बराबर हो जाए या इससे कम हो जाए. तो इसके लिए क्या करते हैं, इस नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं इसके दो नंबर से. तो यहां पर हम लोग कौन सा नंबर रखेंगे वो डिस्कस कर रहे थे कि 4 अगर यहां पर है तो यहां पर अगर हम जैसे सपोज करते हैं 8 अगर रखते हैं 4 8, क्योंकि यहां पर 8 4 = कितना आता है 8, अगर यहां पर 8 रखते हैं तो 8 4 = 4 × 8 करते हैं तो वो 32 आता है, यानी इसके अप्रोक्स में आता है. तो यहां पर अगर हम 8 रखते हैं तो हमको 48 × 8 यहां पर करना होगा और ये मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा कितना आ रहा है 8 8 = 64 6 8 4 = 32 and 6 = 38. तो 48 को जब हम लोगों ने 8 बार में यहां पर मल्टीप्लाई किया तो 384 जो कि पूरा पूरा डिविजिबल है. तो इस तरह से हमारा क्या हो गया,
48 से ये नंबर पूरा पूरा डिवाइड कर गया। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसका स्क्वायर रूट कौन सा हो गया, वो 28। 28 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 784। हम लोग दूसरे एग्जांपल को देखते हैं कि कैसे उसका स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से करते हैं। एक नेक्स्ट एग्जांपल है 53289। तो इस नंबर को हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे, यहां पर क्या करते हैं, पेयर दो दो नंबर का पेयर बना लेते हैं, यानी दो पीरियड यहां पर हो गया। अब डिवीजन में वैसा नंबर रखेंगे, सपोज करते हैं यहां पर अगर हम 7 रखते हैं तो 7 × 7 कितना होता है 49। 49 जो है 53 से छोटा है, इसलिए हम लोग इस नंबर को ले सकते हैं। तो 7 × 7 = 49 माइनस करेंगे 13 − 9 = 4 और ये कट गया 429, क्योंकि उसके बाद जो पीरियड है उसको हम लोग पूरा का पूरा यहां पर डिविडेंड के रूप में ले लेते हैं। तो 7 × 7 = 49। अब ये 7 जो है ये डिवीजन में ऐड हो जाता है 7 × 7 = 14। अब 14 में हम लोग कितना नंबर यहां पर रखेंगे, 14 में कौन सी संख्या यहां पर रखेंगे, इस जगह पर कौन सी संख्या रखेंगे जो कि या तो इससे छोटा संख्या हो या इसको पूरी तरह से डिवाइड कर दे। तो सपोज करते हैं कि 143 अगर रखते हैं तो यहां पर 3 से ही जितना संख्या यहां पर रखेंगे उतना ही संख्या से इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो 143 × 3 करेंगे तो 3 × 3 = 9, 4 × 3 = 12 और 3 × 1 = 4। तो यहां पर हम लोग क्या रखेंगे 143 और ये कितना आ जाएगा 1429, पूरी पूरी डिवाइड कर जाती है और ये कितना यहां पर हो जाएगा 73। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि 5329 का स्क्वायर रूट कितना होगा, दैट इज 73। एक नंबर और देखते हैं, जैसे 10609, इस नंबर का अगर स्क्वायर रूट निकालना है डिवीजन मेथड से तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले दो नंबर लास्ट से हम लोग पेयर बनाते हैं और जो एक बच जाता है उसको हम लोग अलग से एक सेपरेट पीरियड के रूप में काउंट करते हैं, फिर से इसको डिवाइड करते हैं। अब यहां पर एक जो है फर्स्ट पीरियड है, इसको हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे, 1 का स्क्वायर, अगर हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, इसलिए हम लोगों को 1 ही ऑप्शन है यहां पर लिखने का। तो 1 को 1 से डिवाइड किए ये कट गया। अब यहां पर जितना संख्या यहां पर आया था उसी को ऐड करना है, यहां पर ऐड कर लिए। अब हमारा संख्या यहां पर क्या आ गया, 0 06, लेकिन 0 का आगे में कोई वैल्यू नहीं होता है इसलिए इस 0 को हम लोग यहां पर लिख देते हैं और उतना ही 0 यहां पर भी हमको लिखना होगा। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पीरियड है उसको हम लोग पूरा का पूरा लिख देते हैं, आगे स्टेप आगे बढ़ जाता है। अब यहां पर ये 0 जो है हमारा ये खत्म हो गया, अब बच गया यहां पर 609। अब यहां पर जो डिवीजन है वो 20 है और यहां पर एक प्लेस पर हमको यहां पर नंबर देना है जिसके कारण ये पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। तो 20 है और उसमें अगर हम यहां पर 3 अगर रख देते हैं तो उसी संख्या से फिर मल्टीप्लाई करना होगा, दैट इज 3 × 3 = 9 0 and 3 × 2 = 6। तो यहां पर हम लोग क्या रखेंगे, 3, यहां पर भी हम लोग 3 रखेंगे और ये 609 पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। तो 103 क्या हो गया, दैट इज आवर स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ 10609। इस स्क्वायर रूट का जो नंबर हमारा आएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो 103 होगा। हम लोग कुछ नंबर को और ट्राई करते हैं, सपोज करते हैं 7056, ये एक नंबर है 7056, इसका स्क्वायर रूट हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग पेयर पे बनाते हैं, दो दो का पेयर बना लेते हैं, दो पीरियड यहां पर हो जाता है। अब यहां पर कौन सा नंबर रखेंगे, या तो हम लोग 8 × 8 = 64, 8 का अगर मान लिया हम स्क्वायर करते हैं तो 8 × 8 इसका मतलब 64 जो है वो 70 से छोटा है इसलिए हम लोग 8 यहां पर रखेंगे और 8 × 8 = 64 यहां पर 6। अब ये दोनों का दोनों जो पेयर है वो यहां पर आ जाएगा और यहां पर क्या करते हैं, जो नंबर यहां क्वोटेंट में है डिवीजर है दोनों को ऐड कर लेते हैं, दैट इज 16।
अब यहां पर देखिए, यहां पर जो नंबर है, यहां पर 16 है। अब हमको देखना है कि ये दो नंबर है और ये फर्स्ट टू डिजिट है, तो 16 के टेबल में 16 4 64 हो सकता है कि यहां पर 16 के जगह पर 4 रखेंगे तो हो सकता है कि वो नंबर से डिवाइड हो जाए। तो यहां पर 4 रखते हैं, 4 4 16 1 6 6 24 25 2 4 6। तो यहां पर हम लोग नंबर रखेंगे 4 और ये 4 से हमारा ये जो किया है पूरा नंबर डिवाइड हो जाता है। एक चीज यहां पर मैं बताना चाहूंगा, ये जो हम लोग एज्यूम करते हैं कि एग्जैक्ट कौन सा यहां पर डिजिट होना चाहिए, इसको हम लोग समझने के लिए, जैसे कि हम लोग इस क्वेश्चंस में देखे थे कि 116 से हमको डिवाइड करना था 656, तो ये जो दो डिजिट है इसको अच्छी तरह से समझिए, जो डिवाइड करने वाला जो दो डिजिट है और जिसमें डिवाइड कर रहे हैं वो उस दोनों को मैच कराना है। तो 16 के टेबल में कितनी बार में ये 65 के लगभग में आ जाता है, तो 16 के टेबल में अगर हम लोग पढ़ते हैं 16 1 16 16 2 32 16 3 48 16 4 64, ये 64 जो है इसके जस्ट इक्विवेलेंट है। तो इसीलिए मैंने यहां पर एज्यूम किया था 164, तो 64 से ये लगभग जो है इस नंबर के अप्रोक्स में ये नंबर आ जाता है। ये एक तरीका है आपको एज्यूम करने का, और आप एज्यूम करके ही यहां पर लिख सकते हैं। सो गाइज, दैट इज द एंड ऑफ टुडेज वीडियो एंड आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द सेम टॉपिक, और उस टॉपिक में, उस वीडियो में मैं कुछ डेसिमल्स के स्क्वायर रूट निकालने के बारे में डिस्कस करूंगा। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।